जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की तैयारी के लिए 2018 में करंट और विभवांतर से रिलेटेड फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वह सभी। और एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम आप लोगों के लिए सेशन लेकर आए हैं ताकि आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियर हो सके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया आप लोगों से, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश, कितना 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वह कितना होगा, आप लोगों से पूछा गया है। दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किया गया कार्य 72 जूल है, तो जो विभवांतर है वह क्या होगा। देखो, देखिए यहां पर हमें क्या क्या दिया हुआ, पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो यहां पर हमें आवेश आवेश Q कितना दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि यहां पर दिया हुआ है 3 कूलम आवेश ले जा रहा है। कार्य की मात्रा, कार्य मतलब कि जो आपका W है, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, 72 जूल दी हुई है। और आप लोगों से विभवांतर मतलब कि V की वैल्यू यहां आपसे पूछी गई है। तो अब हमें इन सभी का मान निकालना है, तो हमें पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला, इन तीनों में जो संबंध होता है वह होता है विभवांतर V बराबर से कार्य W बटे में आवेश। क्या होता है, विभवांतर भी बराबर से कार्य W बटे में आवेश, और आवेश को हम यहां पर Q से लिखते हैं। तो यह होता है हमारा फॉर्मूला, भी बराबर से W अपॉन Q। इसमें अगर हम मान रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, भी बराबर से W अपॉन Q में हम वैल्यू रहते हैं और हमारा मान यहां पर निकलकर आ जाएगा। तो यहां पर हमें V की वैल्यू ज्ञात करना है और W कितना कार्य किया गया है, तो 72 जूल का कार्य किया गया है, और कितना आवेश ले जा रहा है, 3 कूलम आवेश। तो 3 से जब इसे आप काटेंगे तो आएगा 24। तो इनके बीच, बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वह कितना है, 24 वोल्ट का विभवांतर है। तो राइट आंसर इसका कौन सा आया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, 24 वोल्ट का विभवांतर इन इस परिपथ के दोनों सिरों के बीच में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को इनसे रिलेटेड और वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को बाकी सारे क्वेश्चन जैसे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम 2018 में पूछे गए थे वह सभी के सभी अपलोड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। क्या क्या दिया हुआ हमें, धारा मतलब कि I की वैल्यू कितनी दी है, 10 एम्पियर आपको यहां पर दी हुई है। साथ ही प्रतिरोध जिसे कि हम R कहते हैं, यह 50 ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस या 50 ओम दिया हुआ है जो हमारा प्रतिरोध है। और यहां आपसे पूछा गया है विभवांतर V का मान कितना होगा। तो देखिए, यहां पर जब आपको यह तीनों ही दी जाती है, तीनों मतलब कि आई आर और वी की वैल्यू में से किसी भी दो की वैल्यू दी जाती है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, ओम के नियम का उपयोग। और ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर से आई आर। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, भी बराबर से आई आर। अब यहां पर देखिए, आई की वैल्यू हमें निकालना है, आई की वैल्यू मतलब नहीं, आई की वैल्यू तो हमें दी हुई है, 10 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 50 ओम का प्रतिरोध है, और आपको यहां से वोल्ट निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसमें आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परिपथ में कितने वोल्ट की धारा बह रही है, 500 वोल्ट की धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। राइट आंसर कौन सा आएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया था, इसी नियम से मतलब ओम के नियम से 2-3 बार यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है, तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है। तो दिए गए संबंधों में से आपको बताना है कि किस कारण से प्रतिरोध दुगना होने पर विद्युत धारा आधी हो जाती है। तो आपका ओम का नियम अगर पता है, भी बराबर से आई आर, ओम का नियम यह होता है। अब देखिए, यहां पर किसके बारे में बात की जा रही है, प्रतिरोध और विद्युत धारा के बारे में बात की जा रही है। तो हमें विद्युत धारा और प्रतिरोध निकालना है, तो हम यहां पर आई बराबर से भी अपॉन में आर रख देंगे, ठीक है, इन दोनों में संबंध। आप देखिए, यहां पर आप लोगों को यह संबंध में सिद्ध करके दिखाता हूं। संबंध में देखिए क्या लिया, प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए। अगर हम प्रतिरोध को यहां पर दुगना कर देंगे तो यहां पर जो संख्या होगी वह इससे छोटी हो जाएगी, मतलब कि जो धारा है वह आधी हो जाएगी।
अब इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए मान लीजिए कि यहां पर प्रतिरोध है आपका 10 वोल्ट का, प्रतिरोध हम यहां पर 20 मान लेते हैं, आपका जो वोल्ट है वह कितना है 20 वोल्ट की धारा बह रही है, प्रतिरोध पहले आप लोगों को दिया हुआ था 2, तो आपकी जो धारा आ रही थी वो कितनी आ रही थी, इसे काटने पर कितने एम्पियर की 10 एम्पियर की धारा आ रही थी। लेकिन अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए, प्रतिरोध को दुगना मतलब ये आपको आर की वैल्यू थी, ये भी की वैल्यू थी, तो आर को दुगना कर दें तो 2 का गुना क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा, वोल्ट उतना ही बहना है। तो अब देखेंगे हम आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखिए यहां पर आई की वैल्यू अब निकालते हैं, तो 4 से इसे काटेंगे तो 5 हो गए, पहले कितने एम्पियर थी 10 एम्पियर, अब कितनी बह रही है 5 एम्पियर। तो यहां पर आप लोगों से यही कहा गया है, यहां पर आप लोगों से यही कहा गया है कि अगर प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो किस संबंध से जो विद्युत धारा है वह आधी हो जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा आएगा, आई बराबर से भी अपॉन आर, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, और यह किससे प्राप्त होता है हमें, ओम के नियम से यह हमें प्राप्त होता है। तो ओम का नियम अगर आपको आता है तो ओम के नियम से ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे गए थे, जिसके वीडियो आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा गया आपसे, क्वेश्चन पूछा गया था, यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में 10 अक्टूबर 2018 की 1st शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है, क्या दिया गया है, एक कॉइल है मान लीजिए, एक हीटर है उसके अंदर कॉइल लगी है जिसका प्रतिरोध 750 ओम है, तो 220 वोल्ट स्रोत इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी। क्या बोला गया है, यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है और उसमें जो वोल्ट है विभवांतर वो कितना है 220 वोल्ट का है, तो उसमें से कितनी धारा प्रवाहित होगी, आप लोगों से यह पूछा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, आप लोग देखेंगे इसे किस तरीके सॉल्व किया जाएगा। हमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध ओम दिया है, मतलब कितने दिया, आर की वैल्यू दी है 750 ओम, इसके बाद आप लोगों को वी की वैल्यू दी गई है, वोल्ट की वैल्यू, तो यह कितना दिया है 220 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है, और धारा आई आप लोगों से पूछी गई है। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, ओम नियम का, ओम के नियम का यूज करेंगे, और ओम का नियम यहां पर क्या होता है, तो ओम का नियम होता है भी बराबर से आई आर, ओम का नियम क्या होता है, भी बराबर से आई आर होता है ओम का नियम, तो यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, यह होता है ओम का नियम भी बराबर से आई आर। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो देखिए भी की वैल्यू कितनी दी हुई है 220, भी की वैल्यू कितनी दी है 220, आई की वैल्यू हमें निकालना है और आर की वैल्यू दी हुई है 750, आई की वैल्यू हमें निकालना है, आर की वैल्यू दी हुई है 750। अब यहां से आई की वैल्यू अगर आप लोगों को निकालना है तो क्या होगा, 220 के बटे में आपको 750 को भेजना होगा, अब इसे हम यहां पर कैंसिल कर देते हैं, तो 22 को अब हमें 75 से डिवाइड करना होगा। तो चलिए यह भी हम करके देख लेते हैं कि 22 को 75 से डिवाइड करने पर क्या आंसर आएगा, तो इसे करते हैं, तो 22 को हम 75 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए किस तरीके से होगा, यहां पर पॉइंट लगा लेंगे हम, 0.0 पॉइंट लगाकर यहां एक जीरो हो जाएगा। आप 75 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो थ्री टाइम में कितना हो रहा है, यह ज्यादा हो जाएगा, 225 आ जाएगा थ्री टाइम में, और यहां हमें फिर कितने टाइम लेना होगा, टू टाइम लेना होगा, तो टू टाइम में कितना हो जाएगा 150। तो देखिए कितना है, जीरो में से जीरो गया, अब यहां 12 में से 5 गया तो कितना बचा 7, और इधर कुछ भी नहीं, अब 70 आ गया, तो यहां पर फिर एक जीरो ले लेते हैं, तो आप इसका पहाड़ा लेते हैं, यहां कितने बार में आ जाएगा, लगभग 9 टाइम में, लगभग कितने बार में 9 टाइम में, आप यहां देखेंगे तो 9 5 45, 4 बचा और 9 7 63 और 4 67, तो इसे आप घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और इधर तो कुछ नहीं बचेगा, फिर इसका आगे जीरो लेकर हम कर सकते हैं, लेकिन क्या देखते हैं हम कि ऐसा कोई आंसर हमें ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या, 0.29, तो देखिए हमें ऑप्शन नंबर ए ऐसा नजर आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमें 0.29 एम्पियर की धारा नजर आ रही है, तो हमारे परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो गई, 0.29 एम्पियर की विद्युत धारा इस परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा और आप लोगों के पोटेंशियल ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी मतलब कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, उन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स की बेस्ट ट्रिक देखना है या फिर प्रीवियस ईयर मैथ्स के सॉल्यूशन देखना है, तो भी आप चैनल प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को करंट अफेयर का बेस्ट वीडियो, स्टैटिक जीके का बेस्ट वीडियो,
साइंस और जीके जीएस के बेस्ट वीडियो और साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेस्ट वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।